हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और गर्मियों में कुछ तो ठंडा पीने का मन होता है, खास करके शिकंजी। तो आज हम बनाते हैं शिकंजी। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। यहाँ देखिए, हमने नींबू को लिए हैं, ये फ्रेश नींबू है और इनको हम काट के धुल लेंगे पहले और उसके बाद इनको ग्लास में निचोड़ेंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, थोड़ी सी हमने शक्कर पीस के रखी है और थोड़े से मसाले हैं। अक्सर हम बाहर शिकंजी पीते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो क्यों ना हम घर पे ही बना लें उसी तरह की, और आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा ही टेस्ट मिलेगा। तो ग्लास में सबसे पहले हम नींबू को निचोड़ेंगे। एक पूरा नींबू एक ग्लास में पड़ जाएगा यदि अच्छे नींबू हैं तो, ये और आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। दोनों ग्लास में एक एक नींबू डाल दिया है हमने और इसमें अब हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। एक ग्लास में 2 चम्मच लगभग चीनी पड़ जाएगी, बाकी तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही पड़ती है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें काला नमक भी डालना है, और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा काला नमक भी डाल दिया है। और आप चाहें तो हींग डाल सकते हैं चुटकी भर, और ना चाहें तो ना डालें। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बिल्कुल बारीक सी पिसी हुई काली मिर्च, वो भी एक एक चुटकी बस। ये सारी चीज़ें पड़ने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पुदीने के पत्ते। ये देखिए, फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं जिनको धोल कर हमने साफ़ करके रखा था, और इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे क्योंकि कटे हुए पत्ते ऐसे डायरेक्ट डालेंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इनको हल्का सा हम क्रश कर लेंगे जिससे इनका पुदीने के पत्तों का रस निकल आए। और अब इनको हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा दोनों में डाल देंगे जिससे जब इसमें पानी पड़ेगा तो इनका फ्लेवर निकल के आएगा, बहुत अच्छा से मिंट फ्लेवर आएगा। और इसमें हम डालेंगे बर्फ़ और चिल्ड पानी। एक में तो हमने चिल्ड पानी डाला है और दूसरे में हम डालेंगे जो लेमन सोडा होता है वो। तो एक बनी है प्लेन शिकंजी और दूसरी लेमन सोडा शिकंजी। दोनों के टेस्ट बहुत ही अलग हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी दोनों बने हुए हैं, और इस तरह से आप कभी भी किसी को पिला सकते हैं, खुद भी पी सकते हैं, और ख़ास करके बच्चों के लिए तो जब मन करे तब बना सकते हैं। आपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। देखिए, शिकंजी दोनों तैयार हैं और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिए। देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।